तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, फिर हम एक लेकर आ चुके हैं फ़ोटो एडिटिंग, जो देख सकते हैं ये स्क्रीन पे। इसको आज हम एडिट करने वाले हैं। तो आप भी एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन में इसको हम शेयर करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके हम इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करते हैं। इतना हो जाने के बाद देख सकते हैं आपके ये स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। इसके बाद टूल्स वाला आइकन पर क्लिक करके सेलेक्टिव वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पर हम लाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए इतना ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। इतना हो जाने के बाद हमारे देखिएगा फेस पे एकदम बराबर लाइट है। आप देख लीजिएगा लाइट कहाँ पे कम है, आप बढ़ा सकते हैं लाइट। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और कंट्रास्ट को थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम अपने हेयर को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, थोड़ा एचडी में। तो इतना करने के बाद ये टूल्स वाला आइकन पर क्लिक करके एचडीआर पर क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं, हो गया। देखिए ये, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये एरो वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद देखिए एचडीआर पे हम है ना, इस पर हम क्लिक करके ये ब्रश लेंगे बीच वाला, देख रहे हैं आप। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम फोटो के इतना जूम करेंगे और अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। इससे क्या होता है, हमारा जो हेयर है ना वो पूरा एचडी क्वालिटी में लगता है, दिखाई देता है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप 100% फोटो एडिट करना सीख पाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे हम फोटो एडिटिंग लेकर आते रहते हैं। बस हमको यही आशा है कि आप फोटो एडिट करना सीख जाएं, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है कि कैसे होता है, सब फेक बनाते हैं वीडियो। हम एकदम जो रहता है वही दिखलाते हैं, हकीकत दिखलाते हैं, ठीक है। देखिए इतना होने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको अब ले चलते हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए हम ले चल रहे हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में। तो ये मेरा रहा है ए टूल LR, मतलब लाइट रूम। इस पर हम शेयर करते हैं, ठीक है, नहीं गया, फिर से शेयर करते हैं हम। देखिए ये रहा मेरा लाइट रूम, ये मेरा आ चुका है। देखिए इनपुट ऑफ एक फ़ोटो, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें 5 पिक है, जो मेरा वो वाला फ़ोटो ये है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है मेरे दोस्त, दिखाई दे रहा है। इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले इस लाइट पे क्लिक करके एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। कंट्रास्ट को थोड़ा सा 10 तक बढ़ा लेंगे। हाइलाइट्स को हम पूरा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब 20 तक, ठीक है। वाइट्स को पूरा घटाएंगे, ब्लैक को थोड़ा सा 30 तक लगभग घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर। कलर में आइएगा, कलर में आने के बाद टेंट को थोड़ा -4 कर लीजिएगा, वेरियंस को -6 तक बढ़ा लीजिए, +8 तक बढ़ा लीजिएगा। इतना बढ़ाने के बाद आप ये मिक्स वाला पे क्लिक करके सबसे पहले आप रेड टोन को कुछ इस प्रकार के थोड़ा सा ह्यू को -6
और सेचुरेशन को -9, ठीक, +9, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज टोन पाएंगे, ये मेरे फेस पे ग्लो करता है, मेरे फेस पे मैच करेगा, ठीक है। इससे हमारे फेस का गोराई बढ़ता है, ठीक है। देखिए हम कैसे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप फेस पे इसको -30 रखिएगा, ठीक है। और ल्यूमिनेंस को इतना पूरा 100 तक बढ़ा लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। देख लीजिए, इतना हो जाने के बाद येलो का सेचुरेशन पूरा डाउन करेंगे, ठीक है, और ह्यू भी डाउन करेंगे। फिर ग्रीन कलर में आएंगे, ग्रीन का ह्यू पूरा डाउन करेंगे, ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, या सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। देखिए इतना हो जाने के बाद हम सबका सेचुरेशन डाउन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इतना हो जाने के बाद अब आइएगा इफेक्ट्स में, स्ट्रक्चर को बढ़ा लीजिएगा 10, कैरेटी को 32, ठीक है। वाइब्रेंस को इतना बढ़ा लीजिएगा, इसके बाद इसको पूरा 80 तक बढ़ा लीजिएगा, इसको भी बढ़ा लीजिएगा 70, इसको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। उसके बाद आइएगा डिटेल्स में, डिटेल्स में शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे 70, शार्पनिंग को बढ़ाने के बाद नॉइज को बढ़ा लेंगे 40, डिटेल्स को 60, ठीक है। मैकिंग को 20, कंट्रास्ट को 10, कलर ऑप्शन को 40, डिटेल्स को पूरा फुल, इसको भी पूरा फुल, इसको आने के बाद इसको अनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लाइट एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। देख रहे हैं कितना अच्छा सा लग रहा है मेरा फोटो। तो आशा होगा कि आप ऐसा सीख पाए होंगे। देख लीजिए बिफोर बिफोर एंड आफ्टर। तो ये रहा मेरा स्केचबुक एप्लीकेशन, हम इसमें शेयर करते हैं इस फोटो को और इसमें स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट इसको शेयर करते हैं स्केचबुक में। तो ये देखिए मेरा स्केचबुक में ओपन हो रहा है मेरा फ़ोटो, ठीक है। देखिए ओपन हो चुका है, तो इसको हम देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं स्मूथ, ठीक है। ये वाला ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करके ये वाला स्मोज में आके ये वाला ब्रश चूज करेंगे, ठीक है। इसका सेटिंग देख लीजिए, स्मोज रहना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ से आकर आप स्मोज कर सकते हैं। इसको साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा, हॉलो को 1 और स्मूथ को 2, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप फेस को ऐसे फोटो को जूम कीजिए और ऐसे ऐसे करिए, देखिए हो रहा है स्मूथ कितनी अच्छी तरह से। आप भाई देखिए ठीक से, आप बोलते होंगे ये सब फेक बनाते हैं वीडियो, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है, जो भी बनाते हैं पूरा रियल वीडियो बनाते हैं, जो हमको आता है वही सिखलाते हैं आप, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि हमको जितना पता रहता है उतना ही बताते हैं। पहले हम आपको चाहते हैं सिंपल एडिटिंग करा के सिखा दें, उसके बाद आपको हार्ड एडिटिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आप नॉर्मल एडिट करना सीखें, उसके बाद कुछ हार्ड एडिटिंग करिएगा। पहले ही आप चाहिएगा कि हम कुछ हार्ड एडिटिंग करें तो नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि पहला छोटा मोटा काम करो ही करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ हम बड़ा बन सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए कर रहे हैं, तो यहाँ वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं।
स्मूथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिएगा कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, तो इसको फिर हम ले चलते हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में, इसको थोड़ा और वाइट करना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे हम वाइट इसको करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो हम इसको ये थ्री लाइन जो आइकन है ना, इस पर क्लिक करके, गैलरी पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव वाला आइकन पे करके इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया है। अब इसको हम लाइट रूम अप्लीकेशन में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा फ़ोटो, लाइट रूम अप्लीकेशन में आ चुका है। तो अब हम इसको देखिए कैसे गोरा करते हैं। ठीक है, ये थ्री लाइन डॉट पर क्लिक करके आप पेस्ट सेटिंग करिएगा। ठीक है, तो हम इसको देखिए पेस्ट सेटिंग कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना गोरा हो गया है, कुछ ज़्यादा ही गोरा हो गया, तो इसको हम अब कम कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट पर आएंगे, हाईलाइट को पूरा कम कर देंगे। ठीक है, ब्लैक को थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा सा 40 के करीब। इतना हो जाने के बाद हम इस क्लिक करेंगे इस पर, और ठीक है मिक्स कलर पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद हम रेड वालों को कुछ ऐसे घटा लेंगे। ठीक है, ये देखिए इतना ठीक है। ठीक है मेरे पास, आप देख सकते हैं 25 रहने देते हैं, और इसका सैचुरेशन हम बढ़ा लेते हैं। इसको डाउन ही रहने देते हैं, डाउन ही अच्छा लग रहा है। तो इतना हो जाने के बाद हम इस पर अलग कर्ली करेंगे, और ग्रेविटी को 30 कर लेंगे, स्ट्रक्चर को 10 बढ़ा लेते हैं, शार्पिंग के कुछ और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आ गया है, तो इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन फिर से जाके। ठीक है, तो हम आ चुके हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो टोच वाला आइकन पर क्लिक करके हम थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं, जहाँ पर थोड़ा लाइट कम हो गया है। ठीक है, तो आप भी बढ़ा सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, देख लीजिए हो गया है बिफोर इन आफ्टर। ठीक है, तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फोटो को हम ले चलते हैं लाइव स्केच बुक अप्लीकेशन में। फिर से इसको हम थोड़ा जो बचा उचा है उसको कर लेते हैं, इस पर कुछ लिखना है और टैटू वगैरह लगाना है। ठीक है, तो हम ले चलते हैं स्केच बुक एप्लीकेशन में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा मेरा स्केच बुक अप्लीकेशन। तो मेरा फ़ोटो इसमें आ चुका है, देख सकते हैं आप। आने के बाद हम ये वाला आइकन पर क्लिक करके इनपुट इमेज पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये वाला पीएनजी लेंगे, देखिएगा। तो कहे तो हाँ मिलते भी नहीं।
अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए अब हम वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पर नए हो